हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये क्या है हमारे पास, रिएक्शन क्या होती है पहले समझ लीजिए। ये आपके पास HCN है, बोलो यस और नो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, कोई डाउट? तो कुल मिला के ये हमारे पास CN पे माइनस है और हाइड्रोजन पे क्या है, प्लस है। अलग से हमें मीडियम की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एसिडिक मीडियम है। तो H प्लस इस तरफ जाएगा, कार्बन पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और उसी वक्त बाद में क्या आ जाएगा, CN माइनस। तो ये हमारे पास एक तरह से एडिशन रिएक्शन हो गई। हमारे पास पहले H प्लस गया, एसिडिक मीडियम है, और हमारे पास OH, और ये हमारे पास कौन आ गया, CN। तो ये हमारे पास कहलाएगा, एक मिनट, साइनो हाइड्रिन रिएक्शन। हाइड्रिन तो इसको बोलेंगे साइनो हाइड्रिन। साइनो हाइड्रिन तो क्या आपके पास इस प्रोसेस के अंदर कायरेलिटी आएगी? हाँ, अगर कायरेलिटी आती है तो आपके पास एनाइचोमर्स बनेगा और इसका मिरर इमेज वाला आपको दिखेगा। बेटा ये मान लीजिए CH3, ये मान लीजिए C2H5। अब बोलो मीडियम एसिडिक रहेगा तो ये हमारे पास रिएक्शन है, साइनोहाइड्रिन रिएक्शन, कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया HCN में। HCN आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा, आप मत परेशान हो, आपको लैब में HCN नहीं मिल रहा, C2H5। आप क्या करें, NaCN ले लें, NaCN, और ले लें H2SO4। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, HCN ही बनाएंगे। या कोई दिक्कत नहीं है, H प्लस आया, H प्लस यहाँ आया, CN यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास वापिस वो का वही बनेगा, CH3, C2H5, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CN, और एक जगह OH और एक जगह CN, और इसकी मिरर इमेज वाला आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर आपके दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर कायरेलिटी नहीं होती तो आंसर क्या रहता है, एक प्रोडक्ट। तो ये आपके पास आए हाइड्रोसाइनिन रिएक्शंस। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहला पॉइंट लिखते जाइए की पॉइंट्स। ये दोनों मिलके एक तरह से क्या है, HCN ही तो बनाएंगे बेटा, और Na2CO SO4 बन जाएगा। तो बात वही है, या नहीं भी बनाया, आपके पास एक्वा सॉल्यूशन रखा हुआ है, H प्लस यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, फिर CN माइनस आके यहाँ अटैक कर लेगा, प्रोडक्ट वही बनेगा। तो की पॉइंट हमारा क्या रहेगा, सबसे पहला एडिशन ऑफ HCN ऑन ओवर LDH एंड कीपिंग गिव्स हाइड्रोसाइनिड। तो लिखिए पहला पॉइंट इस रिएक्शन के पास, एडिशन ऑफ HCN ओवर कार्बोनाइल कंपाउंड गिव्स साइनोहाइड्रिन। तो हमारे लिए क्या है, साइनोहाइड्रेट पहला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड, सेकंड पॉइंट हमारे लिए पॉइंट आ रहा है, लिखिए
तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, अगर साइनोहाइड्रिन बन गया हमारे पास, तो सेकंड पॉइंट है आफ्टर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनो हाइड्रिन वी गेट अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, आप समझिए बात को। आपके पास सपोज ये आर है, सी है, या आर डैश है, ये आपके पास ओ एच है, और ये आपके पास क्या है, सी एन। हाइड्रोलिसिस की आपने, तो हाइड्रोलिसिस होते ही आर सी आर डैश ओ एच, ये ट्रिपल बॉन्ड एन, समझना। हाइड्रोलिसिस करा 3H2, तो कार्बन पे क्या छोड़ जाएगा, हर एक बॉन्ड ओ एच ओ एच ओ एच से रिप्लेस हो जाएगा, प्लस अमोनिया अलग हो गया, कोई डाउट नहीं है। फिर आप ही जानते हैं एक कार्बन पे दो ओ एच स्टेबल नहीं होते, अलग हो गया, तो H2O निकाल दिया, -H2, और अब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर सी ओ एच आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो ये अल्फा कार्बन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा इस प्रोडक्ट का, अगर सेकेंड रिएक्शन में उसने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रखा है, तो अच्छी बात है या नहीं है, बोलो यस और नो। क्या बेटा, हाँ एक्सेस में रहेगा, उससे कोई अच्छी बात है ना, क्या बेटा जोर से बोलो, कोई मतलब नहीं है, बस वो तो एक्सेस में है। इस रिएक्शन में तीन कंज्यूम हुए, फिर एक निकल गया, तो नेट तो दो ही कंज्यूम हुए, उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बैलेंस भी नहीं करनी थी, बस मुझे समझाना था कि फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या बनेगा। तो यहां हमारे पास हाइड्रोलिसिस हो गया, इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट। हाँ बेटा जल्दी लिखते जाए, आपके पास बना, ये आपके पास साइनोहाइड्रिन है, बोलो यस और नो। CN, अगर आपने इसकी पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दी, साइनोहाइड्रिन की अमोनिया के साथ, तो अमोनिया क्या करेगा, बिल्कुल अमोनिया क्या करेगा, इस OH को रिप्लेस करेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर डैश एन एच टू, और -H2O इधर अलग हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा दिस। और फिर हाइड्रोलिसिस करा, यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपने कर लिया यहाँ पर, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आर सी एन एच टू आर डैश, और ये सी डबल ओ एच, सेम प्रोसेस है। तो अब इसको क्या बोलेंगे, इसको तो बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एमिनो एसिड्स बन जाएगा, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। ये पता है ज्वीटर आयन की फॉर्मेट में रहता है, आपको मालूम होगा, आर सी आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, और इसका एच प्लस उधर चला जाएगा, इसलिए ये स्टेबिलिटी भी गेन कर लेगा, एन एच सी प्लस, और इसको बोलेंगे ज्वीटर आयन, एमिनो एसिड ज्वीटर आयन की फॉर्मेट में रहते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए। तो क्या पॉइंट बन रहा है इसके अंदर, इफ साइनोहाइड्रिन रिएक्ट बाय एमीन देन हाइड्रोलिसिस देन फाइनल प्रोडक्ट बिकम एमिनो एसिड, या अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा एमीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और अल्फा एमीन कार्बोक्सिलिक एसिड किसका एग्जाम्पल है, इनको कॉमन नेम रख रखा है एमिनो एसिड्स, जो कि प्रोटीन बनाने में भी काम आते हैं।